तो दोस्तों एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी एक नया किस्सा लेकर। आज आपको थोड़ा सा हटके कहानी सुनाएंगे जिसने पंजाब में बहुत बड़ा बवाल खड़ा करके रखा हुआ है। जब बवाल उठ गया एक इंडिविजुअल की एक करामात से, उसके एक एक्शन से, उसके एक काम से इतना बड़ा इशू खड़ा हो गया जिसको देख के लगता था कि शायद एक बच्चे ने, कम उम्र की लड़की ने कुछ गलती कर दी। हुआ क्या, एक लड़की गोल्डन टेंपल दरबार साहब अमृतसर में, जो सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, टेंपोरल सीट ऑफ रिलीजन, जिसको वेटिकन भी कहा जाता है सिखों का, जैसे इटली की राजधानी रोम में वेटिकन सिटी है जो क्रिश्चियनिटी का हेडक्वार्टर है, उसी तरह अमृतसर को और गोल्डन टेंपल को सिखों का वेटिकन कहा जाता है। वहाँ पे एक लड़की बड़ौदा की रहने वाली, वो जाती है और वहाँ पे शीर्षासन करने लग जाती है, योगा करने लग जाती है और करके चली भी जाती है। किसी को कुछ पता नहीं, कोई विवाद संवाद खड़ा नहीं होता। एक दो दिन के बाद वो लड़की अपने सोशल मीडिया हैंडल पे वो पोस्ट डाल देती है कि मैं दरबार साहब में योगा करके आई, और उसके बाद खड़ा हो जाता है बहुत बड़ा संवाद, कंट्रोवर्सी, विवाद, क्योंकि गोल्डन टेंपल में इस किस्म की हरकतें करने की इजाज़त नहीं है। सिख धर्म की कुछ मर्यादाएं होती हैं, उनके तहत रहना पड़ता है। अगर आप आज योगा खेलोगे वहाँ पे, कल जाके कुछ और करने कहोगे, फिर कोई और गेम खेलोगे, कोई बोलेगा मैं हॉकी खेलूँगा, फुटबॉल खेलूँगा, क्रिकेट खेलूँगा या कुछ और किस किस्म की बातें, तो ये सब वहाँ पे वर्जित हैं। अब इस लड़की ने चंद सेकंड्स में एक पोस्ट बनाया, सर के बल खड़ी होके पांव आसमान की तरफ उठा के वो शीर्षासन का जो पोज होता है वो योगा का, वो किया और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डाल दिया, इंस्टाग्राम पे, इधर उधर, और इतना मामला भका के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को इस मामले की शिकायत देनी पड़ी और अमृतसर पुलिस ने धारा 295 के तहत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मुकदमा दर्ज कर दिया। अब देखने को भले आम लोगों की ये बात छोटी लगती होगी या अहम नहीं लगती होगी, लेकिन जो लोग सिख मर्यादा से वाकिफ, गुरुद्वारा में क्या होता है उससे वाकिफ हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उससे वाकिफ हैं, तो उनको अच्छी तरह मालूम है कि ये बातें वहाँ नहीं की जाती, इस किस्म की हरकतें नहीं की जाती। जैसे मैंने पहले कहा, अगर कोई बच्चा, कम उम्र की लड़की, 17, 18, 20 साल, 22 साल की लड़की को ऐसा हरकत कर बैठती तो शायद उसको माफ़ किया जा सकता था कि चलो बच्ची थी, उसको पता नहीं था, अनजाने में हो गया। और जब बाद में पता चला कि वो कोई बच्ची तो है नहीं, वो तो कुछ और ही निकली, वो बात भी करें। जब अमृतसर में ये विवाद उठा, पूरे देश में फैला, सोशल मीडिया पे, मेन लाइन टीवी चैनल्स पे, तो इस लड़की ने एक माफ़ीनामा अपना डाल दिया अपने सोशल मीडिया कि मैं माफ़ी मांगती हूँ अगर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँची है। लेकिन उसमें बहुत सारे किंतु परंतु कर दिए उसने कि मुझे पता नहीं था, मेरी इस हरकत को गलत तरीके से कंसीव परसीव किया गया, मैं तो गुरुद्वारा एक दिन पहले गई थी 20 तारीख को, मैंने माथा टेका था और वहाँ पे 2,100 रुपये की राशि भी दी थी गुरुद्वारे की गोलक में, चंदा दिया था, और नेक्स्ट डे 21 तारीख को इंटरनेशनल योगा डे था, तो मेरे मित्र दलजीत दोसांझ जो पंजाबी एक्टर सिंगर हैं, हिंदी फिल्मों में भी आ चुके हैं,
तो इस लड़की के मुताबिक जिसका नाम है अर्चना मकवाना, ये गुजरात के बड़ौदा शहर की रहने वाली, उसने कहा कि उसे तो दलजीत दोसांझ ने कहा था कि इंटरनेशनल योगा डे की प्रमोशन भी करनी चाहिए आपको। तो मैं फिर दूसरे दिन 20 तारीख के बाद 21 तारीख को गोल्डन टेम्पल चली गई और वहाँ पे जाके मैंने जो पोज बना के तस्वीरें खिंचवा ली और डाल दी, मैंने योगा प्रमोट कर दिया। दोस्तों, इंटरनेशनल योगा डे है तो आपको क्या गोल्डन टेम्पल ही मिला था वहाँ प्रमोशन करने के लिए? उसके नज़दीक बहुत सारी बड़ी ओपन स्पेसेस हैं, कंपनी बाग है, जलियांवाला बाग है, दुर्गयाना टेम्पल है, कहीं भी जाके योगा प्रमोट कर सकते थे आप। तो दरबार साहब के अंदर जाके परिक्रमा में सरोवर के पास वहाँ जाके प्रमोशन करने की क्या ज़रूरत थी? क्या आपको मालूम नहीं था कि इसके ऊपर एतराज़ उठाया जा सकता है? आप कुछ रीति रिवाज के खिलाफ कुछ कर रही हो? नहीं सोचा, अगर सोचा भी होगा तो उस पर पालन नहीं किया। अब जैसे मैंने कहा कि अगर कोई अनजान व्यक्ति, मंदबुद्धि या छोटी उम्र का व्यक्ति ऐसा करता है तो माफ़ किया जा सकता है, लेकिन ये औरत बाद में जब हमने खोज पड़ताल की, इन्वेस्टिगेशन किया इसकी बैकग्राउंड में, तो पता चला कि ये बड़ौदा के एक बहुत बड़े पुराने ज़माने में रहे कांग्रेसी लीडर, जो अपने ज़माने में सबसे बड़े हरिजन नेता भी थे। और मैंने जब इसकी वो पोस्ट वगैरह देखनी शुरू की, उसमें एक पोस्ट में इसने खुद दिया है, एक इंडियन एक्सप्रेस की 1982 की कटिंग लगाई हुई है जो यहाँ से शुरू होती है कि बड़ौदा के कांग्रेस के सीनियर लीडर और हरिजन नेता जसवंत भाई मकवाना, उनके घर में गुजरात के फाइनेंस मिनिस्टर सनत मेहता मिलने आए उनको, और उस मीटिंग में दलित समाज की, हरिजनों की समस्याओं पे चर्चा की। कोई बुरी बात नहीं है, होनी चाहिए। मकवाना साहब बहुत बड़े नेता थे, खाली बड़ौदा के नहीं, पूरे गुजरात के, पूरा दलित समाज में उनकी इज्जत थी, नाम था, और वो इसीलिए अपने इलाके से कॉरपोरेटर भी चुने जाते थे, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो थी बड़ौदा की, उसके जो एजुकेशन कमेटी थी उसके चेयरमैन भी थे। तो एजुकेशन कमेटी जो चेयरमैन जो होता है वो बहुत पावरफुल पर्सन होता है, क्योंकि जितने स्कूल कॉलेज एजुकेशन के संस्थाएं जितनी चलती हैं शहर में, उनके ऊपर उनको फंड देना, पैसा देना, नियंत्रण करना, जगह देनी, खोलना, उसमें काफ़ी मदद करते हैं। तो बड़े बड़े एजुकेशनल ट्रस्ट और अदारे और उनके मालिक चलाने वाले, उनके साथ एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन की दोस्ती हो जाती है, अच्छे रिश्ते हो जाते हैं, सबसे जान पहचान हो जाती। तो इसी के चलते हुए मकवाना साहब की दोस्ती हो जाती है बड़े बड़े एजुकेशन ट्रस्ट के मालिकों। अब मकवाना साहब शादीशुदा थे, जसवंत सिंह मकवाना, कट्टर कांग्रेसी, सारी उम्र कांग्रेस में रहे, लिबरल किस्म के आदमी, कोई किसी को ऊंच नीच नहीं, अच्छा बुरा नहीं, अपना सेकुलर किस्म की राजनीति करते थे, सबके साथ बना के रखते थे, जात पात का सवाल नहीं उठाते थे, इसलिए उनकी इतनी मकबूलियत थी। तो उनकी शादी उनकी समाज के ही एक दलित महिला से हो जाती है, उसमें उनके दो बच्चे होते हैं, दो बेटे पैदा होते हैं, लेकिन बाद में किसी हालात में चलते हुए उनकी मुलाकात एक और औरत से हो जाती है जो मॉरिशियस की रहने वाली थी। मॉरिशियस, अगर आपने मुंबई से साउथ अफ्रीका जाना है तो आपको रास्ते में मॉरिशियस एक जमाने में स्टॉप अप लेना पड़ता, एक आइलैंड नेशन है छोटा सा, मॉरिस आइलैंड है और रॉड्रिक्स आइलैंड है, दोनों को मिला के मॉरिशियस कंट्री बन गया। 65% आबादी यहाँ, वहाँ पर
भारतीय मूल के लोगों की है, जिनमें बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग बहुगिनती में। भोजपुरी उतनी हिंदुस्तान में नहीं बोली जाती जितनी मॉरीशस में बोली जाती। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट सब भोजपुरी मूल के लोग बनते हैं, जो सदियों पहले अंग्रेज उनको ले गए थे वहाँ गन्ने की खेती करने के लिए। कर वहाँ की इस लड़की से मकवाना साहब की मुलाकात हो जाती है और अपनी पहली बीवी को तलाक देके वो इस मॉरीशस की महिला से शादी कर लेते। कोई बुरी बात नहीं, हर आदमी की अपनी ज़िंदगी होती है, तलाक एक लीगल प्रोसेस है, किसी ने ले लिया अच्छा बुरा वो जाने। दूसरी जो शादी करते हैं उसमें से दो बच्चे पैदा होते हैं, एक लड़का एक लड़की। लड़का आजकल पढ़ लिख के ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है और लड़की अर्चना मकवाना वो आज बड़ौदा में उसी घर में अपनी मॉरीशस मूल की माँ के साथ रह रही है, जो घर एक ज़माने में जसवंत मकवाना का हुआ करता था, क्योंकि आजकल उनकी मृत्यु हो गई है, वो इस दुनिया में नहीं है। खैर ये दूसरी शादी करने के चक्कर में उनकी थोड़ी बदनामी भी हुई, जो लोकल लोग थे उनकी बरादरी के, जात बरादरी के, उनको अच्छा नहीं लगा और उनकी छाप पे असर भी हुआ। शायद एक बार इलेक्शन हार भी गए थे बाद में, वो भी उनकी पर्सनल लाइफ। लेकिन ये लड़की अब वो आपको बता दें कि मिस्टर बकवाना जो थे वो बहुत बड़े वकील भी थे, एडवोकेट थे, पढ़े लिखे आदमी थे, सुलझे हुए। उन्होंने अपनी बेटी को बहुत अच्छी शिक्षा दी, पढ़ाया लिखाया, और बेटी को भी इस अर्चना मकवाना को भी LLB करवाया, लॉ करवाया, वो खुद वकील थे। और अर्चना के पास लॉ की डिग्री के बाद उसने बार एसोसिएशन में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस भी लिया और उसके पास वो आइडेंटिटी कार्ड भी है जो बार एसोसिएशन ने उसको दिया। प्रैक्टिस नहीं किया वो बाद की बात है, लेकिन शी इज़ अ वेल क्वालिफाइड लेडी। अब जब पता चला कि वो जिस लड़की ने योगा किया था, जिसको लोग 20-22 साल उम्र की लड़की समझते थे, वो की बच्ची नहीं थी, वो यही अर्चना मकवाना थी जिसकी उम्र 40 साल है और वो पढ़ी लिखी वेल क्वालिफाइड मिडिल एज वुमन है। अब हुआ क्या, जब ये 18 साल की होती, इसका जन्म होता है 1983 में, 1984 में, और जैसे ही 18 साल की होती हैं 2002 में, तो इनके पिता इनको ड्राइविंग लाइसेंस बना देते। वो लाइसेंस भी हमारे पास किसी ने भेजा था, यूट्यूब की शर्तों के मुताबिक हम किसी का पर्सनल डाटा आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन उसमें जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है वो 1984 की लिखी है और आज 2024 इनकी उम्र 40 साल हो जाती है। कोई मानने को तैयार नहीं था कि जो लड़की माफ़ी मांग रही और बयान दे रही है वो 40 साल की हो सकती है, लोग सोच रहे थे 20-22 साल की होगी। खैर लॉ करने के बाद इस लड़की का प्यार हो जाता है बड़ौदा के एक बहुत अमीर परिवार के बेटे, जिनके बहुत सारे स्कूल कॉलेज चलते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलती हैं। शायद इनके पिता मकवाना साहब के रिश्ते उनसे अच्छे होंगे, क्योंकि वो कॉरपोरेशन की एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन थे, कांग्रेस के खजांची थे, ट्रेजरर थे, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं कांग्रेस के। तो वो जो बहुत अमीर परिवार था, उनका जो ग्रुप है बहुत बड़ा ग्रुप, उसका नाम है BRG ग्रुप, बॉम्बे रशिया जर्मनी, BRG ग्रुप। उनका सरनेम है गुप्ता, तो लास्ट का जी जो है वो शायद वो गुप्ता कैसे है। वो बहुत अमीर खान का होटल, स्कूल, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, हॉस्पिटल, बहुत कुछ है। उनका लड़का सरगम गुप्ता, उसके साथ अर्चना का अफेयर हो जाता है।
शायद पहले कुछ साल दोनों फैमिली को अच्छा नहीं लगा होगा, जात बरादरी बहुत कुछ काउंट करता है, पर अल्टीमेटली इनकी शादी हो जाती है, लेकिन कुछ सालों के बाद डाइवोर्स हो जाता है। डाइवोर्स के बाद सरगम गुप्ता तो दूसरी शादी कर लेता है, आज के दिन में उसके दो बच्चे भी हैं, लेकिन अर्चना गुप्ता जो थी उसने गुप्ता लिखना छोड़ दिया, वापस अर्चना मकवाना लिखना शुरू कर दिया, उसने दोबारा शादी नहीं की और वो अपना जिंदगी नए सिरे से जीने के पीछे पड़ी। उसने योगा सीखा, रैकी सीखा और सेलिब्रिटी सर्कल में घूमने लगी, पैसा था और डाइवोर्स में उसको शायद सेटलमेंट में कुछ पैसा वैसा मिला, एक मर्सिडीज गाड़ी मिली जो इनके नाम पे ट्रांसफ़र की गई, सब हुआ खैर उनका आपस का मामला। तो पूरे सर्कल में पैसे की वजह से जो सेलिब्रिटी सर्कल होता है हर शहर में, पॉलिटिशियन तो जानते थे, अमीर लोग भी जानते थे, और वहाँ से इसको और शौक हो गया उस अमीरों के साथ बैठना उठना घूमना फिरना। उसके लिए आपको इमेज बिल्डिंग करनी पड़ती, तो इमेज बिल्डिंग के चक्कर में इस लड़की ने कई बार गलतियाँ कर दी। एक बार ये चली जाती हैं उज्जैन के महाकाल मंदिर में, जहाँ वीडियोग्राफी तो छोड़ो फोटोग्राफी भी बैन है, जगह जगह पे नोटिस लगे हुए हैं कि आप तस्वीर नहीं निकाल सकते। इसने वहाँ पे जाके भी फोटो तो छोड़िए वीडियोग्राफी कर ली और वापस आके अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डाल दी, बहुत चर्चा चला, वहाँ भी माफ़ी मांगनी पड़ी। फिर एक हनुमान मंदिर है वहाँ पे बड़ौदा में, वहाँ बाहर का खाना लेके जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि कोई शरारती एलिमेंट कुछ खाने में मिक्स करके ले जाए और वो पुजारी गन अगर किसी को बांट दें और शख्स का नुकसान हो जाए तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। लेकिन ये लड़की ये औरत वहाँ भी अपने जन्मदिन वाले दिन केक लेके चली गई और वहाँ हनुमान जी के मंदिर में केक काटा और खाया और लोगों में बांटा, तभी बहुत बड़ा विवाद हुआ था। उसके बाद में एक और मंदिर है वहाँ पे शेषनाग की बहुत बड़ी मूर्ति बनी हुई नाग देवता की, वहाँ भी कुछ हुआ था, वो मुझे मिला नहीं, लेकिन पुराने लोगों ने बड़ौदा से बताया, और उस नाग की पूजा करते हुए फोटो तस्वीर इसने खुद अपने सोशल मीडिया साइट पे डाली हुई। तो इस किस्म की कंट्रोवर्सी से ये 40 साल की लड़की हमेशा जुड़ी रही। बेनिफिट क्या कि इसको पब्लिसिटी मिल जाती है, अखबारों में तस्वीरें छप जाती हैं, सोशल मीडिया पे चर्चा चल जाता है और ये एक नॉन फिगर बन जाती और उसी के चलते हुए इन्होंने गोल्डन टेंपल में आके योगा कर लिया। और वो योगा इन्होंने महाकाल के मंदिर में नहीं किया, वो योगा बड़ौदा के हनुमान मंदिर में नहीं किया, वो योगा उस शेषनाग के मंदिर में नहीं किया, तो गोल्डन टेंपल में आके करने की क्या ज़रूरत थी। अब सवाल ये उठता है कि कोई बच्चा गलती करे तो माफ़ किया जा सकता, अब ये 40 साल की मैच्योर लेडी, लॉ ग्रेजुएट, वकालत का लाइसेंस है, पिता वकील हैं, कानून पता है, ये सब होते हुए भी उन्होंने इस किस्म की गलती की है तो उनको कैसे माफ़ किया जा सकता। अब केस हो गया 295 का, अमृतसर पुलिस ने रजिस्टर कर लिया, अब ये वकील हैं, इनको पता है कि अपनी ग्राउंड कैसे प्रिपेयर करनी है, इन्होंने बयान देने शुरू कर दिए कि मैं जब दरबार साहब में थी तो मैंने जब ये फोटो ले रही थी तो एक सरदार जी ने मेरा फोटो खींचा, उन्होंने मुझे मना नहीं किया कि यहाँ इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। फिर दलजीत दोसांझ का नाम ले दिया कि उसने मुझे कहा था प्रमोशन करो,
लेकिन दलजीत दोसांझ ने ये थोड़ी कहा था कि आप दरबार साहब में जाके करो, उनका तो ये था आप कहीं भी करो। और पर इस लड़की के जो मैक्सिमम फ्रेंड्स हैं, जो फ्रेंड सर्कल है, वो पंजाबी लोगों का है और उसमें ज़्यादा सरदार जी लोग हैं। दिल्ली से मुझे कुछ लोगों के फ़ोन आए जिनके साथ इसने पार्टीज अटेंड किए। ऑस्ट्रेलिया में जहाँ इसका भाई रहता है वहाँ जाती है, वहाँ से मुझे फ़ोन आए पंजाबी सिख लोगों के कि हमारे साथ तो बहुत बड़ी बड़ी गुरु की बातें करती थी, सिखिज्म की इसको पूरी नॉलेज है, क्योंकि बहुत सारा सर्कल उसका सिखों के साथ है। और इतनी नॉलेज होने के बाद अगर आप इस किस्म की हरकत करते हो गोल्डन टेंपल में जाके, तो ये माफ़ी किस मुंह से मांगोगे आप? जैसे मैंने कहा, अनजाने में गलती हो जाती, लेकिन आप तो 40 साल आपकी उम्र हो गई, वकालत पास कर ली, वकालत का लाइसेंस आपको मिल गया, आपको कानून की नॉलेज है, दुनिया देखी है, सिखों के साथ आपका सर्कल है, दोस्तियां हैं, उसके बाद आप ऐसा करते हो, इसका मतलब आपने सोच समझ के ये काम किया। आप अनजान नहीं बन सकते, यू कांट क्लेम इग्नोरेंस कि मुझे पता नहीं था। तो ये एक सवाल है दोस्तों, आप देखना होगा कि वो लड़की जो इतनी पढ़ी लिखी, दुनिया घूमी, सोशलाइट, इतना बड़ा सोशल स्टेटस, सेलिब्रिटी किस्म की जिंदगी, और मालूम पड़ा कि इनका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, जो उस गाड़ी का जिसमें से मैंने इनकी उम्र देखी, वो 2022 में एक्सपायर हो गया, वो दोबारा रीन्यू नहीं करवाया। गुजरात के कहीं भी वो रिकॉर्ड में शो नहीं करता। जो गाड़ी इन्होंने ली है उसकी एश्योरेंस जो होती है, एक्सीडेंट क्लेम एश्योरेंस, वो मार्च के साल में एक्सपायर हो गई थी, और इनको उस एश्योरेंस कंपनी ने, जो HDFC बैंक की है एर्गो, उन्होंने नोटिस भी भेजा है, वो पता नहीं बाद में भरा कि नहीं भरा। जो काम करने चाहिए वो तो करते नहीं, 2 साल से शायद बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रही है या ड्राइवर चला रहा होगा। अब वकील का कार्ड दिखा के हर जगह तो पुलिस वाला छोड़ेगा नहीं आपको। तो जो कानून से खिलवाड़ करना, वो भले ड्राइविंग लाइसेंस का हो या एश्योरेंस कंपनी का हो, कानून तो कानून होता है, कुछ उसके साथ मर्यादा होती है। अब देखते हैं कि जो केस रजिस्टर हुआ है FIR, उसके खिलाफ इन्होंने ग्राउंड पर पेयर करनी शुरू कर दी, बयान दे। दूसरा बयान एक दिया कि मुझे बहुत से लोग, सिख लोग गालियां दे रहे हैं, मुझे जान से मारने की धमकी दे दी। उसके बाद इन्होंने गुजरात पुलिस को कंप्लेंट की, वहां से इनको सिक्योरिटी मिल गई, फिर उन्होंने वीडियो डाल दिया। क्या मैं सेफ हूँ? मेरे चाहने वालों को बताना चाहती हूँ कि मुझे पर्याप्त सुरक्षा मिल गई है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी जान को कोई खतरा नहीं है। तो दोस्तों, क्या अल्टीमेटम यही था? बिल्कुल उसी किस्म की कहानी है जिस तरह की कंगना रनौत की कहानी थी। 8 केस कंगना रनौत के ऊपर भी चल रहे हैं हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में, उनमें जिनमें धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस भी, उसके पहले भी कुछ साध्वियों के ऊपर एक किस्म के केस चले, लेकिन वो भी मेंबर पार्लियामेंट बन गई, कंगना रनौत भी बन गई। क्या ऐसा तो नहीं कि आने वाले दिनों में ये 40 साल की लड़की भी MP की इलेक्शन तो अभी हुई है, गुजरात में MLA की इलेक्शन पहले हो जाएंगी, कि कहीं MLA बनने की फिराक में तो नहीं है? कुछ भी हो सकता है। जो लड़की एक नाम, फेम, सेलिब्रिटी स्टेटस को आगे बढ़ाने के लिए इस किस्म के कारनामे कर सकती है, तो वो पॉलिटिकल एम्बिशन भी हो सकते हैं। अब देखना होगा कि आगे आगे ये केस क्या तूल पकड़ता है, या फिर
बड़ी पार्टी की दखल से कुछ लोगों के बीच पड़ने से इस केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता, समा निकलते लिखते लोगों की याददाश्त से निकल जाएगा, पब्लिक मेमोरी इज टू शॉर्ट, और उसके बाद बात दबी की दबी रह जाएगी। देखना होगा। आज के दिन के लिए इतना काफ़ी। आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।